काजी जमीलुद्दीन कुरैशी, प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस। ये विषय में आप प्रदर्शन कर रहे हैं आज? हम जो है राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस के बैनर तले यहाँ पर अपने जो है हाईकमांड के निर्देश पर जो है श्री जगदीश शर्मा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके निर्देश पर यहाँ पर जो है हम धरना दे रहे हैं। किसान जो है रो रहा है और जो है चौकीदार सो रहा है। आज देश की जो स्थिति बन रही है वो लोकतंत्र के खिलाफ जो सरकार कार्य कर रही है और हमारे नागरिकों का जो है जो संवैधानिक अधिकार है उनको भी कुचल रही है, उसके विरुद्ध सरकार के विरुद्ध आज हम जो है किसानों के आवाज़ में आवाज़ को मिलाने के लिए जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो सरकार जो है जो काला कानून लाई है, कृषक जो कानून है और अधिनियम जो लाई है उनको तुरंत वापस ले, काला कानून को। ये जो स्थिति बन रही है पूरे देश के अंदर के सरकार जो है अलोकतांत्रिक कार्य कर रही है और हठधर्मी कर रही है और जो है लोगों के साथ जो है और सरकार जो है सरकारी संपत्तियों को बेच रही है खुलेआम, यानी पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। तो इसको जनता जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा हम आज जो है वो किसानों की आवाज़ में आवाज़ को मिला रहे हैं और जो है हम चाहते हैं कि देश के अंदर जो है संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चले। लेकिन ये जो बादशाह चलाना चाहते हैं इसको सरकार उखाड़ कर फेंक देगी। हमने अंग्रेज़ों को भी उखाड़ के फेंक दिया, लिहाजा हिंदुस्तान की जनता इनको रहने नहीं देगी। ये गलत फहमी के शिकार है। क्या क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि काला कानून तुरंत वापस हो और जो हमारे अन्नदाता हैं जो है उनको जो उनकी मांग है उनको फौरन सरकार मांगे माने और जो है जो काला कानून है मंडी समिति और ये जो इन्होंने ख़त्म किए उनको बहाल किया जाए पहले जैसे कानून था कांग्रेस के ज़माने में। ये हमारी मांग है। विकास शर्मा जिलाध्यक्ष राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस अध्यक्ष जिलाध्यक्ष जे जो केंद्र सरकार जो किसान बिल जो लेके आई है और इसके किसान जो विरोध कर रहे हैं और इस बिल को किसान ये चाहते हैं कि तीनों मांगों को उनकी किसान ने जो तीन मांग बिल पास किए उनको वापस लिया जाए और केंद्र सरकार अपनी हर दर्द पर हट करके बैठी हुई है उस बिल को वापस ले रही है। किसान इस कोरोना काल में भी और 15 दिन से वहाँ डटे हुए हैं और किसान सरकार बिल्कुल भी मतलब वार्ता कर रही है पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि सरकार किसानों के और देश के शोषण में लगी हुई है और वो उसे और किसान भी पूरी तैयारी के साथ आए और किसान को और सरकार को इससे बिल्कुल पीछे हटना पड़ेगा। क्या क्या मांग रखी आपने? हमारी ये मांग है कि जो उन्होंने मतलब जो उनकी जो MNC मतलब उसको जो न्यूनतम दर है उसको फिक्स किया जाए और जो उन्होंने स्टोरेज का जो लिमिटेशन ख़त्म कर दी है उसको भी मान्य किया जाए और जो इनका जो ये अंबानी और अडानी को ये हैंडओवर करना चाहते हैं उनको बैकआउट किया जाए। आज क्या है आपकी क्या मांगे हैं? आज पूरे देश के अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पर बैठा हुआ है और ये पहली सरकार तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। सरकार पूरी तरीके से सत्ता के नशे में चूर होकर पूरी तरीके से मत मांग है लेकिन सरकार को किसानों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। सरकार आज अपनी मांगों के लिए आवाज़ को बुलंद कर रहा है। पूरे देश के संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन किसानों के साथ है लेकिन सरकार अपनी हट धर्मता की हदें पार कर चुकी है और किसानों की किसी हद तक सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार कह रही है कि जो विपक्ष है वो राजनीति कर रहा है किसान के कंधे पर रख के। सरकार क्यों मौका दे रही है विपक्ष को राजनीति करने का? सरकार अगर किसान सरकार बोल रही है कि हम आपको तोहफा दे रहे हैं और तोहफा लेने वाला मना कर रहा है कि हमें आपका तोहफा नहीं चाहिए तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो जबरन तोहफा देने पर तुल हुई है? सरकार सिर्फ अपने दोस्तों अडानी और अंबानी को फायदा देने के लिए ये काला कानून ला रही है जिससे अडानी और अंबानी देश की जो कृषि प्रधान देश है भारत उसके ऊपर काबिज हो जाए और एक छत्र उनका राज हो जाए। सरकार निजी हाथों में सरकार बिकी हुई है। सरकार जो है अब तक जितने फैसले लेते आई है उसने बैक नहीं किया है, आपको लगता है इस बार बैक होना पड़ेगा? देखिए ये जिद्दी है और सत्ता के नशे में इनको ये पता है पहले जो जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया करती थी तो सरकारें उससे डरती थी। क्यों? क्योंकि जनता वोट देकर सरकार बनाती है लेकिन ये सरकार EVM की सरकार है, इसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। ये जानती है लाख तुम सर पटक लो, लाख तुम चीन लो, हम तो EVM से सत्ता पर आ रहे हैं और EVM हमारी जिंदाबाद है। अभी तक कई बार तमाम किसान संगठनों के साथ बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई हल नहीं निकला, आपको लगता है? हल नहीं निकला क्योंकि सरकार पीछे हटने
करने को तैयार नहीं है। सरकार की क्या मांग है? सरकार की तो यही मांग है कि आपने जो भंडारण था, पहले एक लिमिट थी और आपने उसको खत्म कर दी। आज जो बड़े उद्योगपति अडानी और अंबानी जैसे, वो असीमित भंडार कर लेंगे और फिर स्टॉक को उसको रोकेंगे जिससे कालाबाजारी बढ़ेगी। तो किसान यही तो चाहता है। मंडी खत्म कर दी आप लोगों ने, आप लोगों ने एमएसपी खत्म कर दी, तो किसान की मांग तो जेन्युइन है। आपको क्यों डर लग रहा है?